जिससे दर्द का एहसास होता है वो बंद हो जाता है। मैं ये जानता हूं कि जानवर तड़प तड़प के मरता है, वो तड़पता है दर्द की वजह से नहीं, क्योंकि खून कम होने की वजह से साइंटिफिकली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, खून कम होने की वजह से वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते और रिलैक्स करते, इसीलिए जानवर तड़पता है दर्द से नहीं। हालांकि झटके में कई बार जानवर 2-3-4 घंटे बाद मरता है और वो दर्द के साथ मरता है। तो इस्लामिक तरीका स्लॉटरिंग का एकदम सही तरीका है, साइंटिफिक है। वक्त की कमी होने की वजह से आखिरी जवाब दूंगा मैं, जो दसवां है। लोग ये कहते कि जब इस्लाम बुत परस्ती में नहीं मानता है, आप मुसलमान सबसे ज्यादा बुत परस्ती करते, आप काबा की तरफ सिजदा करते हैं, वो सबसे ज्यादा बुत परस्ती है। यार मुस्लिम कहते इस्लाम अगर बुत परस्ती के खिलाफ है तो आप लोग काबा को सिजदा क्यों करते, काबा की परस्ती क्यों करते हैं, काबा की इबादत क्यों करते। इसका जवाब है कि कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता है, काबा हमारा किबला है। आप जहां भी दुनिया में हैं किबला की तरफ देख के नमाज पढ़िए, काबा किबला है, दिशा है, डायरेक्शन है। मिसाल के तौर पे हमें अगर आज नमाज पढ़ने का यहां, तो कोई लोग कहेंगे कि दक्षिण की तरफ देख के पढ़ेंगे, कुछ लोग कहेंगे पश्चिम, कुछ कहेंगे ईस्ट, कुछ कहेंगे वेस्ट, कुछ कहेंगे नॉर्थ, कुछ कहेंगे साउथ। तो इजमा होने के लिए हमें एक तरफ देखना चाहिए और अल्लाह फरमाते हैं कि हमें देखना चाहिए काबा की तरफ। तो काबा हमारा किबला है। और सबसे पहले जो ज्योग्राफी मैप, जो नक्शा बनाए थे दुनिया का, वो मुसलमान थे। 1154 में अल इदरीसी ने नक्शा बनाए थे पूरी दुनिया का। और जब मुसलमान नक्शा बनाते थे तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे था और काबा बीच में था। बाद में वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरबी लोग आए और मैप को उल्टा किए, अपसाइड डाउन, ये जो मैप है उसको उल्टा किए, नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे, बट अल्हम्दुलिल्लाह काबा अब भी सेंटर में है। तो जहां भी आप दुनिया में, अगर आप नॉर्थ में हैं तो आप साउथ में फेस करेंगे, अगर साउथ में है तो नॉर्थ में फेस करेंगे, अगर ईस्ट में तो वेस्ट में फेस करेंगे, वेस्ट में है तो ईस्ट में फेस करेंगे। और हम जब जाते हैं मक्का में उमरा के लिए या हज के लिए, हम तवाफ करते हैं काबा के इर्द गिर्द, हम तवाफ करते हैं। लोग पूछेंगे क्यों तवाफ करते, अल्लाह का हुक्म है, हमें नबी का हुक्म है, इसलिए हम करते। अगर मंतिक से सोचा जाए तो जवाब ध्यान में आ सकता है कि हर दायरे, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, हर दायरे का एक ही सेंटर है। हम जब सर्कम एम्बुलेट करते हैं, काबा के गोल जाते हैं, ये तस्लीम कर रहे हैं कि अल्लाह एक है। और हजरत उमर रदिलावन उनने कहा, सही बुखारी में है इसका जिक्र, जिल्द 2 किताब हज चैप्टर नंबर 56 हदीस नंबर 675, उसमें हजरत उमर फरमाते हैं नदलावन, वो कहते कि क्योंकि मैंने मेरे नबी को इस पत्थर को चूमते हुए देखा हूं, इसीलिए मैं चूम रहा हूं, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये अल्फाज सेकेंड खलीफा के, दूसरे खलीफा के, कि ये पत्थर ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, काफी है हमें ये कहने के लिए कि ये पत्थर को हम नहीं पूछते। और एक चीज मैं कहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, उनके दौर में कई बार सहाबा